नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पैन कार्ड में करेक्शन करने के बारे में। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है और पैन कार्ड में अगर किसी प्रकार की करेक्शन है, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम या आपकी फ़ोटो, किसी प्रकार का डाटा इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट किस तरह से करना है, इस बारे में ये वीडियो रहेगा। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊँगा, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस बताऊँगा। ये वीडियो वॉच करके आप घर से ही अपना पैन कार्ड है उसका डाटा आप ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर या मोजिला ब्राउजर, जिस पे आप काम करते हो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। और आपको यहाँ पे सर्च करना है NSDL। NSDL सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL। इसके लिए जो साइट है वो onlineservices.nsdl.com, ये साइट है जो आपको अभी डिस्प्ले में दिखाई दे रही है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप पेज पे विजिट कर सकते हो। आपको यहां पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा, ये होम पेज है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कैटेगरी में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अगर आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। पैन कार्ड में एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ट्रस्ट, इन सब के लिए पैन कार्ड बनता है। अगर आपका कंपनी या ट्रस्ट का पैन कार्ड है तो आप इनमें कंपनी ट्रस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका व्यक्तिगत आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको इंडिविजुअल ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, टाइटल में आपको यहाँ पे श्री श्रीमती कुमारी, जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो फिल करना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लास्ट नेम, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और उसके बाद आपको मिडिल नेम यहाँ पे डालना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शर्मा फिल करना है, और उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मिडिल नेम डालना है, ठीक है। अगर आपका नाम सिर्फ दो नाम का है जैसे राम कुमार, तो आपको लास्ट नेम और नेम ही डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, आप अपनी सही ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना होता है, जिस पैन कार्ड में आप करेक्शन करवाना चाहते हो उस पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको आप यस कर देना है। और ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और यहाँ पे जो ऊपर कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ फिल कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको टोकन नंबर मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए और कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आज कुल 4 स्टेप है पैन कार्ड करेक्शन एप्लीकेशन के लिए, जिसमें गाइडलाइन का जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका है, उसके बाद पर्सनल डिटेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स फिल करनी होती है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल, और उसके बाद आपको फीस पे करनी होती है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट है पैन एप्लीकेशन के लिए वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। अगर ये आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो डिटेल है वो आपका आधार कार्ड है, EKYC के द्वारा आधार कार्ड से सारी डिटेल उठा ली जाएगी, और आपके पैन कार्ड पे आपकी फ़ोटो है वो आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वही फ़ोटो आपके पैन कार्ड पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबमिट स्कैंड इमेज थ्रो
ई साइन, यहाँ पे आपको स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ के रूप में और एड्रेस प्रूफ के रूप में दे रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके और अपलोड करने होंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिजिकली आपको जो हार्ड कॉपी है वो आपको बाई पोस्ट है वो आपको भेजनी होगी। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड कर देंगे। इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो हम पैन कार्ड पे हमारे को चाहिए वो फ़ोटो हम स्कैन करके अटैच कर देंगे ताकि हमारे पैन कार्ड पे वही फ़ोटो प्रिंट होके आएगी। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दीजिए। जो पैन कार्ड की हार्ड कॉपी है वो आपको बाई पोस्ट है वो प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर दिखाई देगा, आपका जो पैन नंबर है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे आपको चेक कर देना है और यहाँ पे आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका नाम आधार कार्ड में नाम है वो नाम आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो करेक्शन करवानी है अपने पैन कार्ड में वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको नेम में करेक्शन करानी है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करानी है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर आपका जेंडर है जेंडर में करेक्शन करवानी है तो आप यहाँ से टिक करके और सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी करेक्शन करवानी है, अगर फ़ोटो मिसमैच है तो फ़ोटो में यहाँ पे आप चेक कर दीजिए और सिग्नेचर में करेक्शन है तो सिग्नेचर यहाँ पे टिक कर दीजिए, और अगर आपकी पेरेंट्स डिटेल है उसमें कोई स्पेलिंग मिसमैच है या कुछ करेक्शन है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे नाम है पेरेंट्स का नाम है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको फादर नेम, यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है फादर नेम, और यहाँ पे आपको मदर नेम सबसे पहले, यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम आपको फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड पे आपको फादर का नेम चाहिए या मदर का नेम चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स डालनी होती है तीसरे स्टेप में। यहाँ पे आपको आप रेजिडेंस एड्रेस देना चाहते हो या ऑफिस एड्रेस देना चाहते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कम्युनिकेशन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, इसके लिए आपको रेजिडेंस एड्रेस देना है तो रेजिडेंस पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको हाउस नंबर, इस कॉलम में आपको हाउस नंबर डालना है, उसके बाद आपको विलेज का नाम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद में आपकी तहसील जो भी तहसील है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको आपका स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये डिटेल फिल करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी है ये डिटेल आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका एसटीडी कोड है वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी है वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, यहाँ पे मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपके पास दो पैन कार्ड है यानी कि दो परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, और टिक करके यहाँ पे आपको डिटेल है वो आपको डाल देनी है। अगर दो या दो से ज़्यादा पैन कार्ड है आपके पास और आप जो दूसरे पैन कार्ड है वो रद्द करवाना चाहते हो आप यहाँ पे उनकी डिटेल डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपके पास एक ही पैन कार्ड है उसमें करेक्शन करवानी है तो आप इसको अनटिक रहने दीजिए और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट डिटेल का है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालनी होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ पैन कार्ड। तो यहाँ पे आपकी जो आईडी आइडेंटिटी है उसके लिए आप क्या प्रूफ प्रोवाइड करवा रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप दे रहे हो तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस के प्रूफ के लिए आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, इनमें से अगर कोई और डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे
आधार कार्ड ही डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए अपलोड करूंगा, तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है जिसमें आप करेक्शन करवाना चाहते हो उसकी आपको स्कैन कॉपी है यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड की स्कैन कॉपी है तो यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड ये सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है हिम सेल्फ या हर सेल्फ, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान मेंशन कर देना है, आप जहाँ से पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो स्थान मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे आपको जिस तारीख को आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो वो तारीख यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे आपको सिग्नेचर है वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और इस वाले कॉलम में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ़ोटो का जो साइज़ है वो आपको 50 KB से कम रखना है, और JPG फॉर्मेट में आप फ़ोटो है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे जो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो, साइन अपलोड कर रहे हो, उसका साइज़ भी आपको 50 KB से कम रखना है, और JPG फॉर्मेट में साइन है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अटैच करने के बाद आप अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। जैसे अभी मैं आधार कार्ड है वो ID प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए और DOB प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड है वो अटैच करूँगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड है वो आपको 300 KB से कम रखना है, और PDF फॉर्मेट में आपको फाइल यहाँ पे अटैच करनी है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस तरह से पेज दिखाई देगा आपको, यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड प्लीज़ कन्फर्म डिटेल। यहाँ पे आपको ये डिटेल है वो आपको कन्फर्म कर लेना है, आप अपनी डिटेल है वो स्क्रॉल करके और कन्फर्म कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे पैन नंबर दिखाई देगा जिसमें आपको करेक्शन करवानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड के जो 8 डिजिट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जो पहले के 8 नंबर है आधार कार्ड के वो आप यहाँ पे इस कॉलम में फिल कर दीजिए और इसको स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नाम और अदर जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, एड्रेस डिटेल। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ईमेल डिटेल और आपका मोबाइल नंबर वगैरह वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, वो चेक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह यहाँ पे सारी डिटेल है आपकी वो चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारी डिटेल चेक करने के बाद अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके और प्रोसीड कर दीजिए। अगर कुछ डिटेल मिसमैच है या इनकरेक्ट है तो आप एडिट पे क्लिक करके और अपनी जो डिटेल है वो एडिट कर सकते हो। अगर डिटेल ठीक है तो आप प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फीस पे करनी होती है। फीस के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम ये आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे इसके लिए 106 रुपये की फ़ीस है वो आपको पे करनी होती है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और पे एंड कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे QR कोड दिखाई देगा, इस QR कोड को स्कैन करके भी फीस पे कर सकते हो, या फिर आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा 106 रुपये की फ़ीस है वो पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड के द्वारा फ़ीस पे करता हूँ, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर ये सारी डिटेल डालनी है, और पे ₹106 यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा, और नंबर OTP नंबर यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, और इस पेज को आपको रिफ्रेश नहीं करना है और बैक भी नहीं करना है। इसके बाद इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सक्सेसफुल, यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो सक्सेस हो चुकी है, और यहाँ पे जो बाकी की डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस पेज को स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, और टिक करके स्क्रॉल करने के बाद टिक कर दीजिए और अथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। आपको लेफ्ट साइड में जो अथेंटिकेट दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको कंटिन्यू विद EKYC ये दिखाई देगा, कंटिन्यू विद EKYC पे क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद इस तरह का पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपका जो नंबर है उस पर एक OTP मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको यहाँ पे फिल करना है। OTP के कॉलम में आपको मैसेज फिल करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर जो आपको आई हेयर बाई अथोराइज्ड, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको OTP नंबर फिल करना है और OTP नंबर फिल करके आपको वेरीफाई OTP कर देना है। इसके बाद आपका जो फाइनल सबमिशन है वो हो चुका है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देगा थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। यहाँ पे ये जो आपका फाइनल सबमिशन है वो हो चुका है। इसकी जो रिसिप्ट है वो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड की है उस पे आपको इसकी रिसिप्ट मिलेगी और वो एक प्रोटेक्टेड फाइल होती है। उस रिसिप्ट को आपको देखने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है तो आपको वहाँ पर लिखना है 01/01/2000, ठीक है। तो ये लिखना है आपको 01/01/2000 वहाँ पे लिखोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी और आपको रिसिप्ट है वो मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट करवा लीजिए। फाइल ओपन होने के बाद इस तरह से रसीद आपको दिखेगी। जैसे आपको अभी रसीद दिखाई दे रही है, ये रसीद है, ये आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। इससे आप अपने पैन कार्ड का जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका पैन कार्ड है वो प्रोसेसिंग में है, आपको कब तक मिल जाएगा। इस तरह की जानकारी के लिए ये रिसिप्ट है वो आपको काम आएगी, आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। तो ये थी जानकारी पैन कार्ड के बारे में, पैन कार्ड करेक्शन करवाने के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी। आप पैन कार्ड के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल के माध्यम से। आपको ये जानकारी कैसे लगी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए ही ये वीडियोस बनाते हैं, आपके लाइक के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इस चैनल पे ऑनलाइन के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपके फ़ायदे के लिए, आप चैनल विजिट कीजिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो आपको कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।